बेमौसम बारिश और बदलते वातावरण के कारण हल्दी की फसलों पर करपा रोग लगने से फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था, जिसका असर अब उत्पादन पर देखा जा रहा है। अपनी मुस्तैदी के कारण मराठवाड़ा के हिंगोली में संत नामदेव हल्दी बाजार का विशेष महत्व है। सीजन की शुरुआत में ही हल्दी की बड़ी आवक शुरू हो गई थी, लेकिन अब बाजार में हल्दी की आवक में बहुत कमी देखी जा रही है। यहाँ के बाजार में दूसरे राज्यों से आवक पहुँचती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में रोग लगने से फसलों के पैदावार में गिरावट देखी गई है, जबकि फसल अपने अंतिम चरण में है। हालांकि वर्तमान में दरें संतोषजनक हैं, लेकिन किसान उच्च दरों की उम्मीद कर रहे हैं। हिंगोली जिले के बाजार में हल्दी की बड़ी आवक है। इसके अलावा उपज वजन करते करते ही किसानों के हाथों में तुरंत दिया जाता है, इसलिए इस बाजार में दूसरे राज्यों से भी किसान ये अपना माल बेचने के लिए आते हैं। हालांकि इस साल रोगों और जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पादन में गिरावट आई है, इसलिए किसानों ने उम्मीद रखी है कि भविष्य में दरों में और भी वृद्धि होगी। फिलहाल इस समय बाजार में हल्दी का भाव 9,600 रुपये प्रति क्विंटल है, तो वहीं किसानों को भविष्य में 15,000 रुपये की दर से मिलने की उम्मीद है। खरीफ सहित रबी सीजन की फसलों के दौरान सभी फसलों पर रोगों का प्रकोप देखा गया है। पहले प्याज की फसल इस बीमारी से प्रभावित हुई थी, लेकिन इस साल बेमौसम बारिश के कारण कीड़ों के लिए पर्यावरण अधिक अनुकूल बना रहा, नतीजतन उत्पादन में भारी गिरावट आई। कारोबारियों का कहना है कि इस सीजन की शुरुआत में आने वाली हल्दी पर कोई असर नहीं पड़ा था, लेकिन अब आ चुकी नई हल्दी पर इसका असर पड़ रहा है। हल्दी मराठवाड़ा सहित विदर्भ के कुछ जिलों में आवक पहुंचती है। यहाँ के निष्पक्ष व्यापार के कारण इस बाजार में किसानों की दिलचस्पी ज्यादा है। इसके अलावा हल्दी में कुकुरमिन की मात्रा अधिक होने के कारण सांगली और सतारा में इसकी भारी मांग होती है। जिले में हल्दी की क्वालिटी अच्छी होने के कारण बड़ी कंपनी में इसकी मांग हमेशा ही रहती है। वहीं साल 2021 के आखिरी सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन NCDEX पर हल्दी की कीमतों में जोरदार उछाल देखने को मिला। हल्दी में 6% का ऊपरी सर्किट लगता नजर आया। सामान्य निर्यात वॉल्यूम के कारण कीमतों की ज्यादा बढ़त पर रोक लग रही है। वहीं वित्त वर्ष 2021-22 के पहले 7 महीनों में हल्दी का निर्यात पिछले साल के मुकाबले 23% घटकर 89,850 टन हुआ है, लेकिन 5 साल के औसत की तुलना में 6.5% अधिक है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।